लोग कहते हैं कि मन की शुद्धि के साथ आत्मज्ञान होता है। झूठ कहते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि मन है ही क्या। आध्यात्म की शुरुआत तब होती है जब तुम इस मोमेंट पर, इस वक्त में जहां तुम जिंदा हो, जिस क्षण में तुम हो, उसमें तुम जी सको। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा मत पढ़ लेना इन चीजों के बारे में जो तुम्हारे अनुभव में नहीं। पढ़ना है तो अपने शरीर के बारे में पढ़ो, शरीर से परे कैसे उठे उसके बारे में पढ़ो। तो सवाल यह है कि आत्मा और मन में फर्क क्या है। बात इतनी सी है कि जब तक मन है तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता। ये दो अलग चीजें, तुम इनको मिस मत करो। लोग कहते हैं कि मन की शुद्धि के साथ आत्मज्ञान होता है। झूठ कहते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि मन है ही क्या। लोग जब जब तुमसे कहेंगे कि मन की शुद्धि करना ही अध्यात्म है, लेकिन याद रखना कि मन की शुद्धि हो ही नहीं सकती। मन का मतलब है वो जो तुम अभी हो, और तुम जो अभी हो जिस इम्प्यूरिटी के साथ हो वो मन के कारण ही हो। विज्ञान की भाषा में इसे हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। मन उन धारणाओं से बना है जो भी हमने बचपन से सीखी है। भविष्य या भूतकाल में ही मन का वास है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो मन है वो हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचता रहेगा या भूतकाल की चीजों में ही तुम्हें अटकाए रखेगा। वो तुम्हें हमेशा ये बताता रहेगा कि तुमने भूतकाल में क्या गलतियां की और भूतकाल में क्या समस्याएं निर्मित हुई, या भविष्य में वो तुम्हें बताएगा कि ऐसा होगा, वैसा होगा, एक दिन आएगा तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। वो तुम्हें भूतकाल की अच्छी यादों में भटकाएगा ताकि वो तुम्हें ये बता सके कि अभी जो तुम जी रहे हो वो सही नहीं है, ताकि वो तुम्हें बता सके कि अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो किसी काम का नहीं, अच्छे दिन तो पहले ही बीत गए अपने, और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो भविष्य में अच्छा हो सकता है। ये सारा काम मन तुम्हारे साथ दिन रात करता है। अगर तुमने इसे शुद्ध भी किया तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तुम अच्छी अच्छी बातें सोचो। तुम ये सोचो कि पिछला इतिहास कितना प्यारा था और भविष्य में बस अच्छा हो। क्या इसका मतलब शुद्धिकरण है? ना। आध्यात्म की शुरुआत तब होती है जब तुम इस मोमेंट पर, इस वक्त में जहां तुम जिंदा हो, जिस क्षण में तुम हो, उसमें तुम जी सको। उसमें तुम अपने आनंद के साथ अपने होने के प्रति साक्षी हो सको, अपने होने के प्रति तुम स्थिर हो सको। जब तुम अपने होने के प्रति स्थिर होगे तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बढ़ी, और ये ना पिछली चीजों को याद कर रहा है ना ही आगे की चीजों को तुम्हें सता रहा है। ये तुम्हें इस वक्त में जिंदा रखे है, उसका आनंद तुम्हें दे रहा है। तो इस वक्त में जो जीना सीख गया वो आध्यात्मिक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मन की शुद्धि के पीछे मत लगना, ये एक नया अहंकार है। तुम कहोगे कि मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा और परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, या अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करूंगा, या मौन को अनुभव करूंगा, चाहे तुम जो भी कह दो, लेकिन मन का होना ही सारी अशुद्धि है। अगर मन शुद्ध हो ही नहीं सकता ये तुम समझ गए तो तुम नए बेवकूफी में पड़ने से बच जाओगे। क्योंकि अगर मन की शुद्धि करनी है इसका मतलब है कि बाहर से कुछ करना पड़ेगा, बाहर से कोई चीजों को तुम्हें बदलना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसमें आ गई। तो याद रखना कि मन शुद्धि का मतलब है कि इसको खत्म करो, तभी ये शुद्ध हो पाएगा। कोई कोई चीज जल के ही शुद्ध होती है, जैसे लोखंड या सोना, अगर उसे तुम जलाओगे तो ही वो शुद्धता से आगे बढ़ेगी, शुद्धता उसमें आ जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। लेकिन जब तक तुम उसे जलाओगे नहीं, जब तक तुम सोने का पानी नहीं करोगे, तब तक वो गंदी ही है। उसी तरह से मन है, जब तक मन का विसर्जन नहीं हो जाता, मन खत्म नहीं हो जाता, मन का अंत नहीं होगा, तब तक वो अशुद्ध ही है। तो उसका मृत्यु ही उसकी शुद्धता है। उसे शुद्ध अलग तरह से नहीं किया जा सकता। तुम अपनी आदतों को बदलकर उसे शुद्ध नहीं कर सकते। इन बेवकूफियों में अपना समय मत बर्बाद करना। आत्मा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना ही बात किए तो बेहतर है, क्योंकि जिसका हमें अभी अनुभव नहीं उसके बारे में कुछ ना जानना ही बेहतर। अदरवाइज तुम माइंड के द्वारा उसका प्रोजेक्शन करने लगोगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। आत्मज्ञानी को भी तुमसे कम पता होगा आत्मा के बारे में अगर तुमने 10 बातें पता कर ली आत्मा के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा मत पढ़ लेना इन चीजों के बारे में जो तुम्हारे अनुभव में नहीं। पढ़ना है तो अपने शरीर के बारे में पढ़ो, शरीर से परे कैसे उठे उसके बारे में पढ़ो। लेकिन जहां पे पहुंचना है उसके बारे में जितना कम जानो, जितना कम पढ़ो उतना सही, तो ही तुम्हारे साथ कुछ हो पाएगा। वो क्यूरियोसिटी तुम्हें हमेशा रहेगी कि क्या है ऐसा, कुछ तो है। तो वो कुछ तो है लेकिन तुम जानते नहीं, तुम समझते नहीं, तुम्हें पता नहीं, तो ज्यादा बेहतर है। तो ही तुम्हारी यात्रा सुगम होगी, वरना कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा मुझे तो पता ही है कि वो है क्या, बात खत्म।
और तुम्हारी यात्रा यहीं पे नष्ट हो गई। तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सही से चलना।